हेलो गाइस, तो आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि ये बॉक्स तरह कुछ दिखाई देता होगा, जो कि ये जो है वो बॉक्स नहीं है, इसको जो बोलते हैं वो है रिले। जो कि रिले का यूजेस आपको पता नहीं है, तो पहले मैं आपको इस रिले का यूजेस बता देता हूँ, बाद में इसको सारी जो है वो चीज़ें बता देता हूँ। तो पहले इस रिले का जो यूज़ करते हैं हम, किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी तरह के जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है। जो कि ये वर्क तो सिर्फ नॉर्मल, अब हमने देखा होगा कि ये जो बोर्ड है, इसकी जो स्विच आती है वो नॉर्मल स्विच की तरह ही वर्क करता है ऑन ऑफ करने का, लेकिन ये जो स्विच है हमें ये मैनुअल करनी पड़ती है। जबकि हमें इसको वहाँ पर जाना पड़ता है जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ हो, और वहाँ जाके इसको ऑन और या ऑफ करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास ये जो छोटा सा डिब्बी सा दिखाई देता है, ये जो रिले है जिसको रिले बोलते हैं, इसकी मदद से जो है हम किसी भी कहीं पर भी दूर बैठे हम इसे ऑपरेट करा सकते हैं। जो कि इसकी वायरिंग में दो वायरिंग होती है, एक होती है वो हाई वोल्टेज होती है, और एक नोट जो होती है वो नॉर्मल डीसी वोल्टेज की होती है। जो कि डीसी वोल्टेज जो होता है वो इसे ऑपरेट कराने के लिए होता है, और जो है एसी वोल्टेज होता है जो इसका ऑपरेटिंग जो भी डिवाइस जो भी लगा हुआ है उसको ऑपरेट कराने के लिए। तो हमारे पास दिक्कत ये आती थी कि जो हाई वोल्टेज, यहाँ पर हाई वोल्टेज नहीं लेकिन जो एसी वोल्टेज है उसको मैं ऑपरेट कराने के लिए और इसके डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो भी लो वोल्टेज, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर और आर्डुइनो जैसे कुछ भी लगा होता है, उसमें से हमें जो ऑन ऑफ करने का जो सिग्नल मिलता है, या फिर किसी भी पीएलसी जैसे जो डिवाइसेस है माइक्रो कंट्रोलर, उसी से हम जो है स्विच को ऑन ऑफ कराना होता है, कंपनी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले ले। तो वहाँ पर जो ये रिले है उसमें ऐसे वो बिठाया जाता है कि जो नॉर्मल जो आर्डुइनो के वोल्टेज या फिर माइक्रो कंट्रोलर के जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और डीसी वोल्टेज होते हैं, उससे हमें एसी को जब ऑपरेट कराना है, जो भी हमारे डिवाइसेस या फिर अप्लाइंसेस लगे होते हैं वो एसी में लगे होते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के। और 50 हर्ट्ज़ जो इंडिया में खासकर देखा जाए तो 50 हर्ट्ज़ जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर लगे हुए होते हैं। तो जो आर्डुइनो और माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस की मदद से जो हमें स्विच को ऑन ऑफ कराना होता है, तो दिक्कत ये आती थी कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डीसी वोल्टेज करीबन 12 वोल्टेज 12 वोल्टेज पे समथिंग जो है वो वोल्टेज निकालता था, और जो है वो हमें इसके कनेक्शन जो डिवाइसेस के होते हैं वो एसी कनेक्शन होते हैं। तो अभी दिक्कत ये आता है कि डीसी को एसी में जो स्विच में कन्वर्ट करना होता है वो कैसे करें। तो इसके लिए ये जो हमारा रिले है उसको लिया गया कि रिले की मदद से जो है हम इसके डीसी वोल्टेज जो कि कम वोल्टेज होता है 12 वोल्टेज समथिंग होते हैं, उसको 12 वोल्टेज की मदद से जो है हम हाई वोल्टेज की सर्किट होती है उसको ऑपरेट करा सकते हैं, और कहीं दूर बैठे भी इसको ऑपरेट करा सकते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोल डिवाइसेस में लगे होते हैं। तो इसका यूज़ हो गया कि कंपनी में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, और आमतौर पर भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बारी आती है इस रिले की मदद से जो है हम आज इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पर जो इसके 5 टर्मिनल है, जो मैंने इसको मोड़ दिया है, पांचवा टर्मिनल यहाँ पर देख सकते हो, 4 और 4, और ये जो इसके बीच में लगा होता है इस दोनों का। तो आज इस रिले के बारे में सिर्फ बात करूँगा इसके टर्मिनल के बारे में, और अगली वीडियो जो इसके बाद होगी वो इसके प्रैक्टिकल पे होगी कि प्रैक्टिकल में ये कैसे काम वर्क करता है। तो इसको पहले मैं इसमें जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कोयल है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, इसको ऑपरेट कराते ही इस टर्मिनल पे हमें जो है वो उसको वोल्टेज देना होता है, जो कि फेज का वायर जो एसी सप्लाई का होता है 220 वोल्ट, उसको यहाँ पर देना होता है, और इस दोनों सिरा है उसमें से एक टीरा जो
होता है वो NO नॉर्मली ओपन होता है, और एक जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है। तो ये दोनों जो है वो रिवर्स, नॉर्मली ओपन मीन्स के ये जो एक जो सिरा है ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मान लिए कि ये NO नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ पर जो नॉर्मली ओपन है तो यहाँ पर से जब हम इसको यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो नॉर्मली ओपन जो है वहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएंगे, और जो नॉर्मली क्लोज है इसमें दोनों में से एक नॉर्मली क्लोज होता है। जो यहाँ पर नॉर्मली क्लोज मीन्स के यहाँ से जितना भी वोल्टेज होगा वो यहाँ इस टर्मिनल पे सीधा ही यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं आपको दिखा, जो यहाँ पर इसके वोल्टेज है वो सारे के सारे यहाँ पर नॉर्मली क्लोज जो टर्मिनल होगा उसमें चला जाएगा। अब नॉर्मली ओपन टर्मिनल में जो है वो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं जाएगा, ओपन सर्किट दिखाएगा। अभी जब हम 12 वोल्ट इस दोनों जो यहाँ पर टर्मिनल लगे हुए हैं उसको हम जैसे ही 12 वोल्ट देंगे तो इस यहाँ पर हमने जो कुछ भी जो वोल्टेज है इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा था जो कि नॉर्मली ओपन था, उसको यहाँ पर हम 12 वोल्ट देते ही इस टर्मिनल से सीधा ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 220 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर 220 वोल्ट आ जाएगा। बाद में यहाँ पर जो हमारा 220 वोल्ट आ रहा था वहाँ पर जो है ये 0 वोल्ट आना आ जाएगा जब भी हम इसको स्विच को यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस दोनों टर्मिनल है वो एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन या फिर अपोजिट में काम वर्क करते हैं। तो इसी की मदद से जो है हम आपको मैं दिखा देता हूँ इस मल्टीमीटर की मदद से कि कैसे कैसे इसके टर्मिनल की है। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड में सेट करता हूँ और यहाँ पर इसको रख देता हूँ, अब इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिए और यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो साउंड की बीप क्या आ रही वो आ रही है। तो अब इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ जो है वो तीनों टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल जो कोयल है यहाँ पर दोनों की वो यहाँ पर देख सकते हो कुछ वैल्यू दिखा रही मीन्स की कोयल है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं, अभी मैं इस बीच वाले टर्मिनल में लगाता हूँ तो अभी इसमें से कोई हमने 12 वोल्ट की पावर जो आ रही थी DC वोल्टेज वो हमने दिया नहीं है, तो यहाँ पर एक टर्मिनल जो है वो कंटिन्यूटी आएगी और एक में नॉर्मल ओपन सर्किट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक रख दिया है एक सिरा और यहाँ पर एक देख सकते हो, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी है, तो ये जो सिरा है जो जिसमें कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर 12 वोल्ट देने से पहले हमने दिया नहीं है तब भी यहाँ पर जो हमारी कंटिन्यूटी आ रही है वो ऐसे दिखाई ऐसा हमें मालूम होता है यहाँ पर से सीधे वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली क्लोज जो है वो टर्मिनल है NC टर्मिनल जो यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसमें एक में टर्मिनल पे जो यहाँ पर कंडक्टिविटी आ रही है तो दूसरे टर्मिनल पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूसरे टर्मिनल पे रखता हूँ तो देख सकते हो ये भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 12 वोल्ट इस दोनों सिरों को देंगे तो यहाँ पर नॉर्मली जो है वो कंटिन्यूटी आने लगी और नॉर्मली जो है वो क्लोज सर्किट हो जाएगी, तो NC टर्मिनल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर लगाते हैं। तो गाइस इस वाली वीडियो में जो है यहाँ पर हमारा रिले जो 12 वोल्ट का लिया है, लेकिन मार्केट में जो आप जितने भी वोल्ट के चाहे उतने वोल्ट के अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप जो है इस रिले को खरीद सकते हैं। तो इसी आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं इतना ही, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि AC और DC जो दोनों है उसको कैसे चेंज ओवर करता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।